मानसून की भारी बारिश पहाड़ी इलाकों के लिए आफत बनी हुई है। एक तरफ जहां उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड से पहाड़ गिर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। घटना रविवार रात की है, जहां परवाणु के पास चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर लैंडस्लाइड की जद में आने के कारण एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। जहां लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ खिसकने से सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जहां इन पत्थरों की चपेट में पंजाब नंबर की एक गाड़ी आ गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मृतक शख्स की पहचान देवराज के तौर पर बताई जा रही है। घायलों का ESI अस्पताल परवाणु में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार लैंडस्लाइड से पत्थरों की चपेट में आने वाली गाड़ी PB08CP9686 अखबार लेकर शिमला जा रही थी। इस दौरान रास्ते में परवाणु के पास लैंडस्लाइड की घटना हो गई, जहां पहाड़ टूटने के बाद भारी पत्थर गाड़ी पर आ गिरे। इसमें गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं शिमला के ऑकलैंड के समीप भी अचानक पहाड़ दरक गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह अचानक पहाड़ दरक गया। जानकारी के अनुसार इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।